मेरा नाम सिद्धि फारूक उमर है और हम आज धमाल के बारे में बात करेंगे। एक होता है पेठी धमाल, जिसके अंदर हम सलवात पढ़ते हैं, जिक्री गाते हैं बैठ के, और सलवात के साथ अम्बाना की जिक्री बोला करते हैं। जो एक एक जिक्र जो हमारे होते हैं 125 जिक्र, वो हम पेश करते हैं उसके अंदर, बोलते लोग बैठ के सिंगल थापी के अंदर, और इतना मधुर होता है कि लोग अपनी एक लो में चले जाते हैं। बेठी धमाल का इतना लयक्रम से, वो बेठी धमाल के अंदर हम पीर बाबा गौर, भाई मिश्रा, अबस कादुल्ला, दरिया साहब पीर, वो जिक्र के अंदर इतनी इतनी इतना साफ रहता है वो जिक्र कि लोगों को सवारी आती है। सवारी अपने आप में एक सवारी होती है, और जो नॉर्मल आदमी जो बैठ के देखने वाले, वो एक अलग लो में चले जाते और इतना मधुर हो जाते उसके अंदर कि बस दिन रात बस यही चलता रहे, बेठी धमाल ही चलती रहे दिन रात, लोग उठने का मन नहीं करता। तो ये तो हो गया पार्ट हमारा बेठी धमाल का। अब हमारी दूसरी धमाल होती है जो हम खड़े होकर बजाते, गोल गोल घूम के बजाते। उसमें हमारा टेम्पो, अगर रिदम, टेम्पो यानी रिदम हमारा स्लो से स्टार्ट होता है कि सो बिलाले हो याले सो बिलाल, वहाँ से स्टार्ट होता है, और धमाल धीरे धीरे करके इतना पिकअप यानी इतना लाउडली हो जाती है, तो हमारे जो जिक्र है उसके आवाज़ हमारे कान तक नहीं पहुँचता। क्योंकि जब घूम के हम डांस करते या नाचते या बजाते, तो वो हमारा जो जिक्र का आवाज़ वो ठीक तरह से आता नहीं है। कई बार ये होता है, और इतना रिदम इतना फास्ट हो जाता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐड हो जाती है, नगारी ऐड हो जाती है, धमाल जो ढोल दो की जगह चार हो जाते हैं, मुगरमान बहुत स्पीड हो जाता है। लेकिन जब जिक्र कोई गाता है तो रिप्लाई देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन आगे जो गाने वाला होता है उसका आवाज़ बहुत कम पड़ जाता है। तो कई बार ये चीज़ होती है कि हमारे जिक्र का आवाज़ सही तरह से पहुँचता नहीं है उसकी तरफ। तो ये दोनों के अंदर, बेठी धमाल और खड़ी धमाल में ये अंतर हो जाता है। इसलिए बड़ी चीज़ के अंदर हम खड़ी धमाल में समझ नहीं पाते जो देखने वाले होते। तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि सबको जिक्र सीखनी चाहिए, सबको जवाब देना चाहिए, जिक्र का जवाब देना चाहिए, ना कि खड़ी धमाल के अंदर और बड़ी धमाल बेठी धमाल के अंदर दोनों में ये अंतर है। तो हम ये चाहते हैं कि बेठी धमाल में जितना मज़ा आता है, इतना खड़ी धमाल के अंदर भी हम ऐसे जिक्रों के जवाब देंगे। सबको आना चाहिए, आगे वालों को, चार लोगों को कम से कम आना ही चाहिए, तो रिप्लाई देने वाले तो 400 होंगे। तो मैं सजेस्ट ये करूँगा, मेरे को दोनों में मज़ा आता है, लेकिन आपको किस चीज़ में मज़ा आता है वो आप पर डिपेंडेंट है।